नेपाल में बारिश और बिहार में तबाही। सवाल सबके मन में यही कि आखिर नेपाल में बारिश से बिहार में तबाही कैसे मच जाती है, कैसे बाढ़ का दंश लोग झेलने लगते हैं। तो आपको बताते चलें कि नेपाल में लगातार हो रही बारिश ने बिहार के कई ज़िलों में खतरे को अब इस तरीके से तस्वीरों के जरिए लाया है वो डरावनी है। वो आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि इसका समाधान बहुत जल्द होना चाहिए, नहीं तो हर बार साल दर साल यही विभीषिका इन ज़िलों में रहने वाले लोगों को उठानी पड़ेगी, जिसमें लोगों का घर बार चला जा रहा है, जिसमें लोगों की गाढ़ी कमाई से सपनों का आशियाना बह जा रहा है, लोगों की खेत बाड़ी चली जा रही है, ज़मीन के ज़मीन जो हैं वो ज़मींदोज हो जा रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल सभी के मन में है कि आखिर इसका समाधान कब और कैसे होगा। बाढ़ और बारिश से जिस तरीके से तबाही मची हुई है, सीमावर्ती ज़िलों में कई स्थानों पर नदियाँ इस वक्त खतरे के निशान के पार जा चुकी हैं और कई जगहों पर या तो खतरे के निशान से ऊपर हैं या फिर खतरे के निशान के आसपास ही हैं। नेपाल में 1968 के बाद इतनी बारिश जो है वो इस बार ही दर्ज की गई है। 27 सितंबर से नेपाल में लगातार बारिश जो है वो हो रही है। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से देखिए कोसी बैराज के वीरपुर से रिकॉर्ड रविवार के दिन 6,61,295 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया था। इतना ज़्यादा पानी कि बैराज के ऊपरी लेवल तक ये पानी जो है वो सट रहा था, टच कर रहा था। गंडक बैराज में लगभग उतना ही पानी छोड़ा गया और इसके वजह से बिहार में कोसी हो, गंडक हो, बागमती हो, बूढ़ी गंडक हो, कमला बलान हो या फिर महानंदा के साथ गंगा जैसी नदियां हो, वो उफान पर आ जाती हैं। इन नदियों का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया, ये नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और कोसी बैराज वीरपुर से रिकॉर्ड पानी छोड़े जाने से 13 ज़िलों के 16 लाख से ज़्यादा जो आबादी है वो इस वक्त प्रभावित नजर आती है। जो भारी बारिश हुई है उसकी वजह से पहले से ही बाढ़ जैसे हालात बने हुए थे, लोग उससे तो दो चार हो ही रहे थे और अब 1968 में कोसी बैराज से वीरपुर के 7.88 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, उस वक्त वो सबसे ज़्यादा उसे माना जाता है कि उस वक्त हालात बने थे जब तकरीबन 8 लाख से थोड़ा ही कम पानी जो है वो छोड़ा गया था और उस समय भी बिहार के कई ज़िलों में तबाही मच गई थी। इस बार ये जो आंकड़ा है वो 6,61,295 क्यूसेक पानी का रहा, लेकिन इसके बाद भी इतना पानी आने के बाद नदियां उफान पर रहीं और कई ज़िलों को इसने अपनी चपेट में लिया। वहां पर लोगों के आशियाने, घर, मकान, दुकान सब कुछ जो है वो अब पानी आने पर भी और पानी के जाने के बाद भी जो है कटाव की वजह से नज़र आते हैं बर्बाद होते हुए। उसके निशान आपको इन तस्वीरों में नज़र आ जाएंगे। कई तस्वीरें तो ऐसी हैं जो आपके ये डरावनी तो होंगे ही, कहीं ना कहीं दर्द को जाहिर करने के लिए तस्वीर अपने आप में काफ़ी है। करीब वैसी ही कमोबेश स्थिति जो 1968 में थी वैसी ही आसपास स्थिति जो है इस वक्त भी दिखती है। इन दिनों कोसी की बात कर लीजिए, गंडक की बात कर लीजिए, गंगा का पानी पश्चिम और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, अररिया, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया और कई अन्य जो ज़िले हैं, 13 ऐसे ज़िले हैं जो इस वक्त प्रभावित हैं इस बाढ़ के पानी की वजह से। और इन ज़िलों में इस पानी का प्रवेश होने के बाद अलग अलग इलाकों में तकरीबन ये माना जा रहा है कि जो बारिश भी हुई है वो तकरीबन 780.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अब एक तो नेपाल की तराई से आने वाला पानी, ऊपर से बारिश का हो जाना, उसके बाद ये स्थिति और ज़्यादा भयावह नजर आई। बिहार के कुछ ज़िलों में बारिश अभी भी जारी है और ऐसे में राज्य सरकार ने बिहार के इन कई ज़िलों के लिए अलर्ट तक जारी कर दिया हुआ है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का पूर्वानुमान पहले से जताया हुआ था। नेपाल से आने वाले पानी ने इस परेशानी को और गंभीर बना दिया। हालांकि इस वक्त बहुत सारे कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं, लोगों के बीच सूखा राशन पहुँचाया जा रहा है, पॉलीथीन शीट्स दिए जा रहे हैं। लगातार सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, नज़र बनाए हुए हैं कि कहीं पर किसी तरीके से लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, लेकिन चिंता का विषय ये अब भी बना हुआ है। धीरे धीरे हालांकि नदियों के जलस्तर में थोड़ी कमी आई है जैसे जैसे बराज का पानी कम हुआ है, लेकिन देखना होगा कि लोगों के आशियाने जो बह गए उन लोगों को राहत किस रूप में मिलती है, कब तक मिलती है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, क्या आप इन 13 जिलों में से किसी ज़िले से आते हैं, वहाँ पर क्या है स्थिति, कमेंट के जरिए बताइएगा ज़रूर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त विभा उपाध्याय।